हम स्टूडेंट साइट पिछले वीडियो में साइटोकाइनिन पे छोड़ दिया था हमने जो ना, तो साइटोकाइनिन कहाँ बनता है प्लांट के अंदर, कहाँ बनता है साइटोकाइनिन इज फॉर्म इन रूट टिप शूट बड। साइटोकाइनिन हार्मोन बनता है रूट टिप पे शूट बड में और यंग फ्रूट में। साइटोकाइनिन बनता है रूट के टिप पार्ट में, स्टेम के टिप पार्ट में और यंग फ्रूट में। रूट से फिर ये वास्कुलर टिश्यू से ऊपर चला जाता है, फ्रॉम रूट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू स्टेम टू शूट वास्कुलर टिश्यू। रूट से जहां पर भी काम करना है, इसको ऊपर ऊपर काम करना है तो ऊपर चला जाएगा रूट से, जो जाइलोफ्लोएम से जाएगा। अच्छा, तीन हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तीन हार्मोन है जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से हैं? इथाइलिन एंड एबी। दो हार्मोन है, जब ये ज्यादा होंगे इथाइलिन ए बी ए तो पेट छोटा होगा, ये तीन हार्मोन ज्यादा होगा तो पेट लंबा होगा। तीन ग्रोथ को बढ़ाते हैं, दो ग्रोथ को रोकते हैं। तो ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर है, दो ग्रोथ को रोकने वाले ग्रोथ इनहिबिटर है। दोनों को क्या बोलते हैं? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4, ऐसे C डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इधर होंगे दो इधर होंगे। इथाइलिन का फॉर्मूला है C2H4। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सेल डिवीजन को तो इंक्रीज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को तीनों हार्मोन बढ़ाते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन, तभी तो ग्रोथ प्रोमोटर है। तो साइटोकाइनिन करवाता है सेल डिवीजन बढ़ाता है। इवन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड लिग्निफिकेशन अक्कर बाई साइटोकाइनिन हार्मोन, इनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। टिश्यू बनने को टिश्यू डिफरेंशिएशन बोलते हैं, टिश्यू बनना, टिश्यू बनना टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है। जो तो जाइलम फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम होते हैं उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम एक कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर, एक कैम्बियम नहीं आती इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों को वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनने में साइटोकाइनिन का रोल है। और जाइलम जो बनेगा तो उसमें लिग्निन ऐड होगा, तो लिग्निफिकेशन में भी लिग्निन ऐड होने को लिग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लिग्निफिकेशन में भी रोल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन मतलब लिग्निन ऐड होना, जाइलम बनना, सेकेंडरी ग्रोथ। तो कुल मिलाकर सेकेंडरी ग्रोथ साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनने में और लिग्निफिकेशन साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन बढ़ाएगा तो प्राइमरी ग्रोथ है,
और सेकेंडरी ग्रोथ में भी काम आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम बढ़ना या लिग्निफिकेशन होना, जो तो डिफरेंशिएशन में रोल है। जो मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑक्सीजन साइटोकाइनिक रेशियो, अगर मोर है तो रूट डेवलप और एसी रेशियो लेस है। एसी रेशियो कब आएगी, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। एसी रेशियो ज्यादा कब होती है, जब ए ज्यादा हो, सी कम हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो, साइटोकाइनिन कम हो। ए का मतलब है ऑक्सीजन, सी का मतलब है साइटोकाइनिन। ए ऑक्सीजन है, सी साइटोकाइनिन है। ए ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो ओवरऑल रेशियो बढ़ जाएगी, उससे रुक आएगी। सी ज्यादा है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो ये रेशियो कम हो जाएगी और शूट डिफरेंशिएट। तो शूट बनने में हेल्प करती है, रूट या स्टेम बनने को मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, रूट या स्टेम बनने को मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, रूट बनेगी या शूट बनेगी। तो ये ऑक्सीजन साइटोकाइनिन की रेशियो डिसाइड करती है, रूट बनेगी या स्टेम बनेगी, तो मॉर्फोजेनेसिस हो गई। रूट और स्टेम बनने को मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। सेलुलर लेवल पर नई सेल बनना, लिग्निफिकेशन बनना, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो इन दोनों में साइटोकाइनिन का रोल है। लीफ फॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफरेंशिएशन, लीफ बनने में साइटोकाइनिन हार्मोन रोल प्ले करता है। प्लांट में कई टाइप की प्लास्टिड होती है, हरे रंग की क्लोरोप्लास्ट, रंगीन क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, सारी प्लास्टिड बनने में इसका रोल है, ऑक्सीजन का, इसका साइटोकाइनिन का। जो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पढ़ रखिए, ये सब बनने में साइटोकाइनिन का रोल होता है। जो फूड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफ्लोएम, फूड ट्रांसपोर्ट में भी साइटोकाइनिन हार्मोन का रोल प्ले होता है। फूड ट्रांसपोर्ट में साइटोकाइनिन का रोल होता है, फूड ट्रांसफॉर्मेशन में साइटोकाइनिन हार्मोन फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है स्वयं के अंदर। और फूड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा तो सेनेसेंस कम होगी या ज्यादा होगी, सेनेसेंस तो खराब होते हैं, खराब करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं प्लांट में, कलरलेस हो जाता है, सूख जाता है, इसको सेनेसेंस बोलते हैं। फूड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा सेनेसेंस तो रुक जाएगी। ड्यू टू मोर फूड ट्रांसपोर्ट, ज्यादा फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो सेनेसेंस इज डिक्रीज्ड। This effect of cytokinin cytokinin ज्यादा होगा तो food transport ज्यादा होगा, food transport ज्यादा होगा तो cytokinin hormone ज्यादा होगा तो food transport ज्यादा होगा, food transport ज्यादा होगा senescence कम हो जाएगी। इस effect को क्या बोलते हैं, is called रिचमंड लैंग इफेक्ट। साइटोकाइनिन इस इफेक्ट को बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट, क्योंकि रिचमंड और लैंग ने बताया था। ये जो था रिचमंड लैंग इफेक्ट। अगला
साइटोकाइन हार्मोन काउंट्रैक्ट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है ब्रांचिंग ना आना, प्लांट लंबा बढ़ता जा रहा ब्रांच नहीं आ रही तो बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है और ये अपोजिट है, ऑक्सिन के अपोजिट है साइटोकाइन हार्मोन, ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है। इसका मतलब दैट इज दिस हार्मोन कॉज मोर ब्रांचिंग इम्प्लांट। प्लांट में ब्रांचिंग ज्यादा करता है जो ऑक्सिन हार्मोन तो एपिकल डोमिनेंस करवाता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ब्रांचिंग कम करवाता है जो लंबाई में बढ़ाता है। ये हार्मोन जब ज्यादा होगा तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी, एपिकल डोमिनेंस होगी नहीं, ब्रांचिंग ज्यादा होगी। जो कैसे ये हार्मोन ज्यादा काम कब करेगा, जब टिप पार्ट को हटा दो। इट इज द रीजन ऑफ मोर ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग इन प्लांट्स और ग्रासेस। पेड़ों में या घास में जो है अगर पेड़ को ऊपर से काट दोगे तो ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, ऑक्सीजन तो स्टेम का टिप्पार्ट में बनता है, पेड़ का टिप्पार्ट काट दे ऑक्सीजन नहीं बनेगा, साइटोकाइन तो बनेगा रूट से बनेगा तो ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस कराता, ब्रांचिंग ऑक्सीजन होने नहीं देता, टिप्पार्ट काट देता ऑक्सीजन खत्म, टिप्पार्ट काटा ऑक्सीजन खत्म, साइटोकाइन ने असर दिखा दिया और ब्रांचिंग ज्यादा होगी। बताओ प्रूनिंग बोलते हैं, टिप्पार्ट काटने को बोलते हैं, टिप्पार्ट काटने को प्रूनिंग बोलते हैं। अगर पेड़ की प्रूनिंग कर दे टिप्पार्ट काट दे या घास को ऊपर से काट दे तो ब्रांचिंग क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है, टिप्पार्ट पर ऑक्सीजन बनता है ऑक्सीजन खत्म, साइटोकाइन अपना हार्मोन इफेक्ट दिखाएगा और ब्रांचिंग हो जाएगी। जो इसके अलावा साल्ट एक्युमुलेशन इन प्लांट सेल साइटोकाइन हार्मोन ज्यादा साल्ट इकट्ठा करवा देता है सेल के अंदर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन इसका मतलब क्या है, बीमारी करने वाली चीज को पैथोजन बोलते हैं, जो चीज बीमारी करे उसको पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन से बीमारी से पैथोजन से बचाता है साइटोकाइन हार्मोन, कैसे बचाता है वो कुछ बता नहीं रहता जो। सेल्फ लाइफ वेजिटेबल्स रिमेन्स फ्रेश इफ वी स्प्रे साइटोकाइन ऑन देम स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम। सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी अगर साइटोकाइन हार्मोन डाल दोगे तो। फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स साइटोकाइन हार्मोन कुछ पेड़ों में फूल ला देता है जो, पांचों हार्मोन ही फूल लाते हैं, मैंने बता दिया पांचों हार्मोन का फंक्शन है फूल लाना, कोई कहीं लाएगा कोई कहीं लाएगा। पार्थेनोकार्पी इन सम प्लांट्स इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सम प्लांट्स।
कुछ पेड़ों में पार्थेनोकार्पिक बगैर बीज के फ्रूट को बोलते हैं, तो इथाइलिन को छोड़कर चारों आर्मन पार्थेनोकार्पिक करवाते हैं, तो ये भी पार्थेनोकार्पिक कराते हैं। इथाइलिन पार्थेनोकार्पिक नहीं कराते, चारों आर्मन पार्थेनोकार्पिक कराते हैं। फीमेल फ्लोर इट इंड्यूस फेमिनाइजिंग इफेक्ट और फीमेल फ्लोर तीन हार्मोन है जो फीमेल फ्लोर लाते हैं, ऑक्सीजन इथाइलिन साइटोकाइनिन, सिर्फ गिबरेलिन मेल फ्लोर लाता है। तो इस तरह से बोलते हैं हार्मोन के फंक्शन है। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया जो, अब मैं टॉपिक ले रहा हूं फोटोपीरियडिज्म, बीच में छोड़ा हुआ है उसके ऊपर आता है। इंटरमीडिएट डे प्लांट किडनी बीन या राजमा जो है, इसमें ये इंटरमीडिएट डे प्लांट है, इसमें फूल तब आता है जब 12 घंटे लाइट और 12 घंटे अंधेरा मिले जो। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट इसका एग्जाम्पल है ब्लड वायरम, सारे एग्जाम्पल ले लो। ब्लड वायरम में 65 लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट इसका एग्जाम्पल है कैंपेन्युला, और डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में डे न्यूट्रल प्लांट इसमें आ जाएगा मक्का, टमाटर, सूरजमुखी, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट इनको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं, दिन लंबा है रात छोटी, शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट, लॉन्ग डे गेहूं, जो जई, मूली, पालक, ये लॉन्ग डे प्लांट है। ये सारे एग्जांपल याद करने हैं बाद में जो, और एलएन की बुकलेट से एग्जांपल और याद कर लेना, एग्जांपल मत छोड़ना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो। तो लॉन्ग डे प्लांट गेहूं, जो, जई, मूली, पालक, शॉर्ट डे प्लांट जैंथियम, राइस लेने शॉर्ट डे प्लांट में जैंथियम, क्रिसेंथेमम, और टोबैको, तो ये प्लांट थे। अब इनकी डिटेल समझाता हूँ जो, लॉन्ग डे शॉर्ट डे अभी समझ में नहीं आया ढंग से जो, इसको मैं डिटेल में लेता हूँ जो, ये लिख लो पहले। लॉन्ग डे प्लांट एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैंथियम 15.5 घंटे लाइट, 8.5 घंटे डार्क,
फिर भी प्लांट छोड़ दे, चलो ये एग्जांपल तो मैं बाद में समझा दूंगा, जो है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा जो है, पर मैं सिंपल चीजें निकाल देता हूँ, सिंपल चीजें करा देता हूँ। ये लाइट है, ये डार्क है, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट ये लाइट है, ये डार्क है, इसमें फूल आ जाएंगे। शॉर्ट डे प्लांट याद रखना, शॉर्ट डे दिन छोटा, दिन कितना भी हो कोई कहानी नहीं, रात का रोल है। शॉर्ट डे प्लांट में रात या अंधेरे का रोल होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट डे प्लांट में डार्क का रोल होता है या अंधेरे का हो, तो शॉर्ट डे मतलब दिन छोटा, कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट डे प्लांट में डार्कनेस का रोल होता है, डार्कनेस कंटिन्यूस मिलेगी तो फूल आएंगे। आगे हो दूसरा, अगर यहां तुमने रात को व्हाइट लाइट दे दी, नो फ्लोरिंग, फूल नहीं आएंगे। अगर रात को सफेद लाइट दे दी तो फूल नहीं आएंगे, रात को सफेद लाइट दे दी फूल नहीं आएंगे। अंधेरा बहुत जरूरी है, अंधेरे में लाइट दी फूल नहीं आएगी। आगे इस अंधेरे में रेड लाइट दी, फ्लोरिंग होगी, प्लांट के फूल आने के लिए रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी लाइट होती है, जो रेड लाइट अच्छी होती है। अंधेरे में अंधेरा जरूरी है, कंटिन्यूस अंधेरा दिया तो भी फूल आएंगे, और अंधेरे में लाइट दी लेकिन रेड लाइट दी तो भी फूल आएंगे। लेकिन अंधेरे में फार रेड लाइट दी, नो फ्लोरिंग, फार रेड तो फार रेड, अंधेरे में लाइट दी तो, अंधेरे को लाइट दी पहले अंधेरा लगातार दिया तो फूल आया, रेड लाइट दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा फूल आया। सफेद लाइट दोगे वो भी खराब होती है, वो भी फूल नहीं आने देती, और फार रेड लाइट दोगे ये भी फूल नहीं आने देती। लास्ट, पहले रेड दो फिर फार रेड दो फिर रेड दो, अब फ्लोरिंग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है लास्ट का एक्सपोजर क्या दिया तुमने, लास्ट का एक्सपोजर रेड का है तो फूल आएगा, और लास्ट का खराब लाइट रेड लाइट अच्छी लाइट है, लास्ट का एक्सपोजर रेड का है तो फूल आएगा, और लास्ट का एक्सपोजर फार रेड का तो फूल नहीं आएगा। इफ लास्ट एक्सपोजर इज ऑफ रेड लाइट, फ्लॉवरिंग अकर, इफ लास्ट एक्सपोजर ऑफ फार रेड लाइट, नो फ्लॉवरिंग। ये फिर बताऊ, कंटिन्यूस डार्क शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट बोलते हैं, रात लंबी होनी चाहिए अंधेरा लंबा होना चाहिए, अंधेरा लगातार मिला फूल आ गई, अंधेरे में रेड लाइट दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फूल आ जाएगी, लेकिन सफेद लाइट और फार रेड खराब होती है, सफेद लाइट दी तो भी फूल नहीं है, फार रेड दी तो भी फूल नहीं है, बारी बारी से दी रेड फार रेड रेड फार रेड रेड फार रेड ऐसे दी, तब डिपेंड करेगा लास्ट एक्सपोजर, लास्ट एक्सपोजर रेड का तो फूल आएगा, लास्ट एक्सपोजर फार रेड का तो नहीं फूल पाएंगे। और रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर,
इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है 730 नैनोमीटर। ये इंफ्रारेड नहीं है, ये फार रेड है। जो इंफ्रारेड तो 750 नैनोमीटर के बाद में आती है, 760 नैनोमीटर के बाद में आती है। ये रेड लाइट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसको फार रेड बोलते हैं। इंफ्रारेड नहीं बोलेंगे, इंफ्रारेड तो अलग वेवलेंथ होती है। तो ये होगा एक एक्सपेरिमेंट, ये होगा। जो दूसरा एक प्लांट का एक्सपेरिमेंट लेके और कर रखा है वो बताता हूँ। दूसरा एक्सपेरिमेंट और है, ये प्लांट है, ये लीफ है, ये प्लांट है, लीफ है, लाइट दी, फूल आ गए, ये फूल आ गए। लेकिन इसी प्लांट पे लीफ नहीं है, लाइट दी, नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग इन लीफलेस प्लांट। इसका मतलब ये हो गया, फूल आएगा या नहीं आएगा, लाइट के साथ साथ प्लांट में लीफ होना भी जरूरी है। लाइट को रिसीव लीफ करता है, अगर लीफ है तो फूल आएगा, लीफ नहीं है तो फूल नहीं आएगा। एक लीफ छोड़ दो तो एक लीफ, और फिर लाइट दे दो फिर भी फूल आ जाएंगे। तो प्लांट जिस जो प्लांट फोटोपीरियडिज्म शो करता है उसके पास बिल्कुल लीफ नहीं है, लाइट मिली जितनी लाइट चाहिए उतनी मिल गई, लेकिन लीफ नहीं है तो फूल नहीं आएंगे। ज्यादा फूल है एक फूल एक लीफ हो या ज्यादा लीफ हो, फूल आ जाते हैं लाइट गिरने के बाद। तो एक लीफ सफिशियंट है फूल आने के लिए। जो तो ये भी है, और ये प्लांट है, इसको लाइट नहीं दी, इसमें फूल नहीं आए, इसको लाइट नहीं दी फूल नहीं आए, इसको लाइट दी फूल आए, इनको जोड़ दिया तो फिर इसमें फूल आएगा। इसका मतलब फूल बनाने वाला सब्सटेंस एक सब प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है। फूल बनाने वाले सब्सटेंस को जो लीफ में बनता है फ्लोरिजन बोलते हैं। फ्लोरिजन इज फॉर्म इन लीफ एंड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग। फ्लोरिजन पता नहीं लीफ में ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कहीं और हो तो चेक कर लेना। तो लीफ जो होता है फ्लोरिजन बनाता है, और फ्लोरिजन से फूल आते हैं। लीफ में फ्लोरिजन बनेगा, फिर जहां फूल बनेगा वहां चला जाएगा और अभी फूल ला देगा। तो फ्लोरिजन कब बनेगा, कौन सी लाइट में बनेगा, रेड में या फार रेड में? रेड से फ्लोरिंग होती है तो फ्लोरिजन बनेगा, फार रेड जो होती है उससे नो फ्लोरिंग, नो फ्लोरिजन। एक पिगमेंट भी फूल आने के लिए जरूरी है, पिगमेंट और फ्लोरिंग, फाइटोक्रोम। पिगमेंट फूल आने के लिए जरूरी है, उसका नाम है फाइटोक्रोम। दो टाइप का होता है, पीएफआर। पी का मतलब है फाइटोक्रोम, और जी ऑब्जर्व करेगा 660 नैनोमीटर लाइट, और पीएफआर में चेंज हो जाएगा। पीएफआर ऑब्जर्व करेगा 730 नैनोमीटर लाइट, पीआर में चेंज हो जाएगा। पीआर रेड लाइट को ऑब्जर्व करके पीएफआर में चेंज हो जाता है। पीएफआर फार रेड को ऑब्जर्व करके पीआर मतलब रेड लाइट ऑब्जर्व करता है ये फाइटोक्रोम, और पीएफआर में चेंज हो जाता है। पीएफआर फार रेड को ऑब्जर्व करके पीआर में चेंज हो जाता है। एक सीड जर्मिनेशन का टॉपिक और कराऊंगा, उसमें और बताऊंगा। जो तो रेड लाइट फूल आने में हेल्प करती है, इसका मतलब ये पिगमेंट हेल्प करता है, लेकिन फूल ये लाएगा। रेड लाइट से पीआर इसमें चेंज हो जाएगा, ये फूल बनाएगा। जो रेड लाइट फूल लाने के लिए जरूरी है, रेड लाइट से पीआर पीएफआर में चेंज हो जाएगा, पीएफआर फूल लाएगा।
चलो अब लेते हैं एक एग्जांपल कराता हूं मैं, जो एग्जांपल है जेंथियम का। इसमें फूल कब आते हैं जेंथियम में? जेंथियम में फूल आते हैं 15.5 घंटे लाइट और 8.5 घंटे डार्कनेस। लाइट 15.5 घंटा मिले, 8.5 घंटे डार्कनेस मिले, फूल आ जाते हैं फ्लावरिंग। फिर लॉन्ग डे प्लांट हुआ या शॉर्ट डे प्लांट हुआ? तुम बोलोगे लॉन्ग डे, क्यों? बोलिए धूप 12 घंटे से ज्यादा है। हम बोले कभी भी लॉन्ग डे या शॉर्ट डे पर ये नहीं देखना कि धूप कितनी है, ये देखना है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और 8.5 घंटे की लाइट का गौर से सुनना, यहां समझ नहीं आता स्टूडेंट के, ये मैक्सिमम लाइट है, इसको कितना भी घटा दो फूल आ जाएगा। 8.5 घंटे मिनिमम डार्कनेस है, इसको कितना बढ़ा दो तो फूल आ जाएगा। जो 8.5, 9, 10, 11, 12 कितनी भी डार्कनेस बढ़ा दो फूल आ जाएगा। इधर 15.5 घंटे मैक्सिमम लाइट है, इसको कितना भी घटा दो 14, 13, 12, 11, 2, 7, 8, 9, 5 तो इसमें लाइट का ज्यादा रोल हुआ है डार्क का हुआ? लाइट 15.5 घंटे तो एक बार तो दिख रही है बहुत ज्यादा लाइट, लेकिन कितने भी कम कर दी तो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, इसको कितनी भी कम कर दो फूल आ जाएंगे। 14, 13, 12, 11, 2, 5 कितनी भी कम लाइट दे तो फूल आ जाएंगे। अंधेरा 8.5 घंटे से कम नहीं होना, इससे ऊपर कितना भी हो तो इसमें ज्यादा रोल लाइट का है डार्कनेस का है? डार्कनेस का है। ये मिनिमम है, इसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो फूल आ जाएंगे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू, इसको कितना भी कम कर दो। तो ये प्लांट शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, क्रिटिकल फोटो पीरियड कैन बी डिक्रीज्ड अप टू एनी वैल्यू। क्रिटिकल फोटो पीरियड को कितना भी घटा दो फूल आ जाएंगे, तो ऐसा प्लांट शॉर्ट डे होता है। अगर कोई तुम्हारे को ये लाइट और डार्कनेस से देख के बताए, पूछे बताओ ये लॉन्ग डे प्लांट है शॉर्ट डे, बोले जी हमारे को नहीं पता, पहले ये बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये प्लांट शॉर्ट डे, इसको कितने भी घटाते फूल आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मुझे और का प्लांट है, इसमें फूल आते हैं 11 घंटे लाइट और 13 घंटे डार्कनेस। तुम क्या बोलोगे? 11 घंटे लाइट और 13 घंटे डार्कनेस, देख कर ऐसा मालूम पड़ेगा 11 घंटे लाइट है तो ये प्लांट कौन सा होना चाहिए? शॉर्ट डे। 12 घंटे से कम ये शॉर्ट डे प्लांट होना चाहिए, लंबी रात है जो ना। ये वैल्यू जो दे रखी है, वैल्यू देख के कभी प्लांट नहीं का मालूम नहीं पड़ेगा शॉर्ट डे है लॉन्ग डे है। ये मिनिमम वैल्यू, इसको कितना भी बढ़ा दो फूल आ जाएंगे। 12 घंटे, 13, 14, 15, 16, 17 कितने घंटे बढ़ा दो फूल आ जाएंगे। और ये जो वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम, इसको कितना भी घटा दो फूल आ जाएंगे। तो ये प्लांट क्या हुआ? मिनिमम 11 घंटे है, लेकिन ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जो इसमें लाइट पर ज्यादा डिपेंड है, इसलिए लॉन्ग डे प्लांट है। ये है लॉन्ग डे प्लांट और इसमें डार्कनेस की वैल्यू नहीं है। डार्कनेस कितनी भी कम कर दो, लाइट कम नहीं होनी चाहिए, लाइट बढ़ेगी जो। इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड कैन बी इंक्रीज्ड एट एनी लेवल, एट एनी वैल्यू। अरे सुनो, लाइट के पीरियड और डार्कनेस के पीरियड एग्जाम में दे रखे और पूछ रहे शॉर्ट डे या लॉन्ग डे, तुम बोलोगे हमारे को नहीं पता। तुम बोलोगे ये वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम, वो बोलेगा ये मैक्सिमम है, इसको कितना भी घटा दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी घटा दो, तो बोल दो शॉर्ट डे। कितनी भी घटा दो लाइट, लाइट कितनी भी घटा दो, कितनी भी कम कर दो शॉर्ट डे, दिन छोटा कितना भी छोटा दिन कर दो। अब यू बोल दे ये वैल्यू जो दे रखी है मिनिमम है, इसको कितना भी बढ़ा दो फूल आ जाए, तो फिर लॉन्ग डे। इसमें फिर लाइट मिनिमम दे रखी है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो अगर वैल्यू दे रखी हो मैक्सिमम, कितना भी घटा दो तो प्लांट शॉर्ट डे, दिन कितना भी छोटा, लाइट कितनी भी कम, कोई वैल्यू नहीं, तो शॉर्ट डे। यहां लॉन्ग डे में ये दिन छोटा है, रात कितनी भी लंबी कर दो, दिन छोटा है ये दिन की वैल्यू है, इसको कितनी भी बढ़ा दो, दिन कितना भी लंबा कर दो, तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। छोटा वैल्यू दे रखी है, कितनी भी बढ़ा दो फूल आ जाएगा। तो लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनमें
नाइट की डार्कनेस की वैल्यू नहीं होती, इसलिए शॉर्ट नाइट प्लांट बोलते हैं लॉन्ग डे को। लॉन्ग डे प्लांट क्या बोलते हो? शॉर्ट नाइट प्लांट मतलब नाइट का कोई रोल नहीं है, डार्कनेस का कोई रोल नहीं है, इसकी डार्कनेस का कोई रोल नहीं है, इसके बीच में चाहे कितनी भी डार्कनेस में कितनी भी लाइट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डार्कनेस का कोई वैल्यू नहीं, कंटिन्यूस डार्कनेस दो, रेड दो, फार रेड दो, कुछ नहीं पड़ता। रात लंबी, दिन लंबा होना चाहिए, लॉन्ग नाइट, लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट में शॉर्ट नाइट, लॉन्ग डे प्लांट में चाहे अंधेरे में तुम रेड दो, फार रेड दो, कुछ भी दो, इससे डिपेंड ही नहीं करता। लॉन्ग डे कंडीशन लगी तो फुल आए, और लॉन्ग डे में रात बहुत जरूरी है, वहां रेड लोगे या विजिबल लोगे वो डिपेंड करेगा, दिन की कोई वैल्यू नहीं है, दिन कितना इनकम कर दो जो। तो इस तरह से बोलिए होते हैं, एक फोटो पीरियड और एक डार्क पीरियड को बोलते हैं इंडक्टिव साइकिल। क्रिटिकल फोटो पीरियड, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? वो लाइट का पीरियड जिसको शॉर्ट डे प्लांट में कितना घटा दो, लॉन्ग डे प्लांट में कितना बढ़ा दो। क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? अभी एग्जाम एनसीईआरटी पढ़ा था क्रिटिकल फोटो पीरियड, उससे ऊपर लाइट होगी तो फुल आएंगे। क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? इट इज लाइट पीरियड, इट इज मैक्सिमम लाइट, इट इज लाइट पीरियड विच कैन बी मैक्सिमम, मैक्सिमम हो सकता है लाइट का पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में लाइट का पीरियड मैक्सिमम है, कितना भी घटा दो, विच कैन बी मैक्सिमम इन शॉर्ट डे प्लांट एंड मिनिमम इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में मिनिमम वैल्यू कितनी बढ़ा दो उसको, मिनिमम इन लॉन्ग डे प्लांट। और क्रिटिकल फोटो पीरियड और क्रिटिकल डार्क पीरियड को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो एक बात बताना मेरे को, क्या ये जरूरी है? शॉर्ट डे प्लांट का मतलब दिन छोटा, और दिन छोटे का मतलब, दिन छोटे सर्दियों में होते हैं, लोग लंबी रात सर्दियों में होती है, दिन छोटा या रात लंबी। शॉर्ट डे प्लांट को हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट, दिन छोटे, दिन छोटे सर्दियों में, रात लंबी सर्दियों में। क्या सच में शॉर्ट डे प्लांट सर्दियों में फूल आते हैं? ये कंडीशन तो शॉर्ट डे वाले तो सर्दियों में मिलेंगे। लॉन्ग डे प्लांट दिन लंबे यानी रात छोटी, यानी गर्मियों वाले, क्या गर्मियों में फूल आएंगे लॉन्ग डे प्लांट में? तो एग्जाम्पल लेके बताओ, वास्तव में लॉन्ग डे प्लांट क्या गर्मियों में फूल आते हैं, शॉर्ट डे में क्या सर्दियों में फूल आते हैं क्या? और डे नोटर प्लांट में कभी फूल आ सकते हैं क्या? डे नोटर प्लांट में कभी फूल आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जेंथियम, जेंथियम में 15.5 घंटे लाइट थी और 8.5 घंटे की डार्कनेस थी। धतूरे में 15.5 घंटे की लाइट थी और 8.5 घंटे की डार्कनेस थी। शॉर्ट डे प्लांट था ये जो, इसमें फूल कब आएंगे? तुम बोलोगे 15.5 घंटे तो गर्मियों में मिल जाएंगे, 15.5 घंटे गर्मी में मिल जाएंगे और फूल आ जाएंगे, और कम में तो फूल आए आएंगे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो सर्दियों में दिन छोटे होंगे तो तभी फूल आ जाएंगे, तो इसमें तो गर्मी सर्दियों दोनों फूल आ गए। 15.5, 8 घंटे हैं तो इसमें 15.5 घंटे लाइट चाहिए, 15.5 घंटे तो गर्मियों में खूब मिल जाएंगे तो तभी फूल आएंगे। और ये मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू तो सर्दियों में दिन छोटे होंगे तो तभी फूल आ जाएंगे, तो गर्मी सर्दी दोनों में आ गए। तो ये तो शॉर्ट डे प्लांट था, सर्दियों में फूल आने चाहिए तो गर्मी भी आ रही है इसमें। तो कभी भी ये नहीं देख, नाम से नहीं मानू पड़ेगा कि शॉर्ट डे प्लांट जिसमें सर्दियों में फूल आए, लॉन्ग डे गर्मी में, ऐसा नहीं है। जो दूसरा ले लो, ओर्ट का प्लांट था, 11-13 घंटे वैल्यू थी जो, ये लाइट थी और ये लॉन्ग डे प्लांट था। इसमें बताओ 11 घंटे की लाइट है, 13 घंटे अंधेरा है, क्या ये लॉन्ग डे प्लांट क्या गर्मी में फूल देगा? बिल्कुल, क्योंकि 11 घंटे का दिन तो सर्दियों में मिलेगा ही नहीं। 11 घंटे से ज्यादा लाइट की मिनिमम वैल्यू 12, 13, 14, 15 कितने भी घंटे वो फूल आ जाएगी जो, लेकिन 11 घंटे से कम लाइट नहीं होनी चाहिए। तो इस 11 घंटे तो से कम लाइट सर्दियों में तो 11 घंटे से कम ही मिलेगी तो उसमें फूल नहीं आएंगे जो, और इस सर्दियों में गर्मियों में 11 घंटे से ज्यादा लाइट मिलेगी तो फूल आएंगे जो। तो ये तो वास्तव में लॉन्ग डे प्लांट है, गर्मियों में फूल दे रहा है।
तो कुछ जगह ये वैल्यू, ये जो डेफिनेशन अप्लाई हो भी जाती है, शॉर्ट डे प्लांट शॉर्ट डे कंडीशन में आएंगे, लॉन्ग डे प्लांट में फुल लॉन्ग डे कंडीशन में आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। शॉर्ट डे प्लांट जो है और लॉन्ग डे प्लांट में डेफिनेशन अप्लाई जरूरी नहीं होगी जो। तो मैंने फोटोपीरियडिज्म का टॉपिक, फोटोपीरियडिज्म में फूल आएगा या नहीं आएगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, जीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोपीरियडिज्म डिपेंड कर रहा है, जीन के ऊपर, फ्लोरेशन हार्मोन के ऊपर। अब फ्लोरेशन हार्मोन अगर पेड़ में निकाल दिया जाए तो फूल आ जाएंगे क्या, गिबरेलिन डाल दो। कई साइंटिस्ट फ्लोरेशन को गिबरेलिन नहीं मान रहे, तो गिबरेलिन हार्मोन से भी फ्रूट आ जाते हैं जो। गिबरेलिन हार्मोन क्या कर देता है, फ्रूट ला देता है जो, चाहे फ्लोरेशन या लाइट ना मिले तो भी गिबरेलिन डाल दो फूल फ्रूट आ जाएंगे जो। लाइट के रिप्लेसमेंट कर रहा था, लाइट चाहिए फूल आने के लिए, फ्रूट आने के लिए, लेकिन गिबरेलिन हार्मोन तुम अगर डाल दोगे तो लाइट की जरूरत नहीं है फूल और फ्रूट आने के लिए, अपना आप आ जाएंगे। गिबरेलिन लाइट को रिप्लेस कर देता है जिन प्लांट में फोटोपीरियडिज्म है जो। तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिंग करता है गिबरेलिन, और ऑक्सीजन वगैरह जो है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग करता है। छोड़ो जो है ए भी करता है शॉर्ट डे प्लांट में जो। तो ये था तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। तो चार हार्मोन करवा चुका हूँ मैं जो है, ऑक्सीजन गिबरेलिन, ऑक्सीजन नहीं करा और चार हार्मोन करवा दिया, फोटोपीरियडिज्म का टॉपिक हो गया जो। और अगले वीडियो में फिर देखेंगे और कुछ करवाएंगे जो है, इसी चैप्टर की बची हुई चीज़ें अगले वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ, ठीक है।